एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना अंतर्गत पथरिया विधायक रामबाई गोविंद सिंह के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया एवं बटियागढ़ के लिए पशु चिकित्सा वाहन को पशुपालन विभाग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस वाहन के विकासखंड में पहुंचने से विकासखंड के सभी पशुपालकों द्वारा मोबाइल क्रमांक 1901902 पर सूचना देने से थोड़ी देर में पशु चिकित्सक वाहन पशुपालक के घर पर पहुंच जाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक दवाएं एवं सूक्ष्म सर्जरी के उपकरण होंगे। इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रत्येक पशुपालक को ₹150 का शुल्क सुविधा प्राप्त होने पर देना होगा। इस संबंध में पथरिया विधायक के द्वारा जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हम ब्रह्म सुमासी किंबाव की मोरुपाद उचित बानस मई मत जान शपूर का मूर्वश्वा ओम चंद्रमा मनसो जात के सूर्य जाति सूर्य का चंद्र में चमकाओ चंद्र कर जाय को नारियल फोड़ देना नारियल फोड़। रूटर रूटर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने वेटनरी विभाग में पशु जो हमारे हैं माता गौ माता हैं इनके लिए एक एम्बुलेंस बटियागढ़ और पथरिया के लिए उपलब्ध कराई है। और ये वेटनरी विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जैसे हम लोगों के लिए इंसानों के लिए मतलब एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, वैसी आज गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस पहुंचेगी। अगर किसी के घर परिवार में कोई भी फ़ोन लगा के बोलता है तो विक पैरामीटर जो हैं इनकी पूरी टीम गाड़ी में बैठ के पूरी एसी गाड़ी है और उनके घर पहुंचेंगी और इनको गाय भैंस जो भी है उनका इलाज करेगी। और सभी को क्षेत्रवासियों को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये ज़्यादा शुल्क नहीं लगना है, थोड़ा सा ही शुल्क लगना है। तो जिसके घर पे भी अगर हम बुलाएं या आप बुलाएं, कोई भी गांव में अगर कोई बुलाता है कि मतलब हमारी गाय या भैंस बीमार है, कोई तकलीफ है, तो जो शुल्क थोड़ा सा लगना है 150 रुपये 150 रुपये लगना है, तो वो आप ज़रूर दें ताकि मतलब एम्बुलेंस का जो खर्चा है और जो ड्राइवर का खर्चा है वो निकलता रहे। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि आगे चल के अगर ये लोग उपलब्धि मतलब गांव में ये लोग जाएंगे तो मेरे पास ये शिकायतें ज़रूर आएंगी कि डॉक्टर साहब 150 रुपया मंगा रहा है, जबकि ये डॉक्टर साहब नहीं मंगा रहा है ना कोई मंगा रहा है, ये शासन के निर्देश हैं। तो सभी लोग इस बात को ज़रूर जान लें और मैं सभी जितने भी वेटनरी के डॉक्टर हैं बटियागढ़ के पटेल बटियागढ़ में हैं पटेल साहब और पथरिया में भी हैं, पत्थर दोनों जगह के जो डॉक्टर हैं और जो मुखिया हमारे खान साहब हैं जिले में, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन और धन्यवाद करती हूं कि जो सतत क्षेत्र में मतलब पशुओं के प्रति सतत रहती हैं, कोई भी फ़ोन लगाता है तो तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं, तुरंत डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। तो मैं पुनः अपने शिवराज सिंह भाई साहब के लिए मुखिया के लिए जो हमारे प्रदेश के हैं उन्हें हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन एवं धन्यवाद देती हूँ। ये शासन के द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई बटियागढ़ और पथरिया के लिए आई है, जिसका आज पूजन माननीय विधायक पथरिया विधायक रामबाई के द्वारा करवाया गया है। और ये 1962 में टोल फ्री नंबर लगाने पर ये सब घर पहुंच सेवाएं पशुपालकों को मिलेगी। यह है सरदार पटेल ओवरब्रिज जो रात के वक्त अंधकार में डूब जाता है। सरकार से हमारी इसे रोशन किया जाए, यही हमारा मुद्दा है।